जलेगा, हिलना मत। बच्चा हूँ क्या मैं? जलेगा, लगाओ, कुछ नहीं होता। तुम तो बच्चे नहीं हो ना, कहा था ना जलेगा, इसलिए बोला था, जानती हूँ मैं तुम्हें। हाँ तो तुमने बताया नहीं, तुमने बिना बताए लगा दिया, मैं रेडी नहीं था। अब सुना क्यों रही है मुझे, ये सुनाने की जरूरत नहीं है। आप तो बच्चे ही हो, जब तुम लड़ाई करने लग जाते हो, क्या करूँ आप तो का? सका इतनी बड़ी लड़ाई, उसको डांटे बिना बैंडेज करो ना। हो गया तो अभी मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो, चोट लगी हुई है ना, ठीक नहीं हुई है, और वैसे भी हेल्थ से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, बैठे रहो चुपचाप। आज के लिए बहुत ज्ञान हो गया, ओके, और मेरे पास टाइम नहीं है, ना ही तुम्हारा ज्ञान सुनने का और ना ही रेस्ट करने का, सो प्लीज जाने दो मुझे। श्रुत, तुम श्रुत क्या हुआ, आप ठीक हो ना? अब तो लोगे आज का ज्ञान, बोला ना ठीक नहीं हूँ, चोट लगी है, मुझे ज्यादा पता है, मैं डॉक्टर हूँ, बोला था ना रूही ने, भूल गए, अब बैठो चुपचाप। उसको तो दांत मिल गई, पर मम्मा मुझे खाना कब मिलेगा, या मुझे भी दांत खानी पड़ेगी? रूही बच्चा, मैं आपको क्यों डांटूंगी, अब तो इतने छोटे हो फिर भी इतने समझदार हो, कुछ लोग तो इतने बड़े होते हैं फिर भी बच्चों वाली हरकतें करते हैं। डिनर का टाइम हो गया ना, भूख लगी होगी, मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। मां, लाल टमाटर को भी खाना मिलेगा ना? ओए नानी माँ, तुमको तो बड़े मजे आ रहे थे जब मुझे डांट पड़ रही थी, हा? तो आप मम्मा की बात क्यों नहीं मान रहे थे? अब आप चुपचाप रेस्ट करो, नहीं तो खाने के साथ ना रूही की भी डांट खानी पड़ेगी। ओके ओके। वैसे ये सबसे अच्छा मौका है मम्मा और रूही को साथ रखने का। कुछ करना पड़ेगा।